मेरे साथ चलिए, भारत माता की। रवि क्या हो गया कृष्णवाल की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। बहुत समय के बाद मैं उत्तर त्रिपुरा में आया हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। समृद्ध त्रिपुरा के संकल्प की नीति पीछे प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और मेरे मित्र श्रीमान विप्लव कुमार देव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजीव भट्टाचार्य जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मन जी, बहन प्रतिमा भौमिक, केंद्रीय मंत्री जी, सांसद देवी त्रिपुरा जी, संदीप पात्रा, हमारे उत्तर पूर्व के इंचार्ज संदीप भाई आगे आओ जरा मंच पर, सबको प्रणाम करो, ताली बजाइए संदीप भाई के पास किए, हमारे नए प्रभारी सांसद महेश शर्मा जी, श्री समीर ओराम जी, राज्य के मंत्री महोदय, विधायकगण और पदाधिकारीगण, और आज उत्तर त्रिपुरा के गांव गांव से आए हुए, इतनी विशाल संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मौसम के कारण आने में एक घंटे से ज्यादा देरी हुई है, मगर मैं अभी यहां सभा मंच पर हेलीपैड पे आ रहा था, 4 किलोमीटर लंबा रास्ता था, रास्ते के दोनों ओर जिस ओर भी दिखाई पड़े उस ओर लोग ही लोग दिखाई पड़े थे और पूरा सभागार भरा हुआ। उत्तर त्रिपुरा की जनता का इख्तियार, उत्तर त्रिपुरा की जनता का विश्वास हमारे नेता प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, डॉक्टर माणिक शाह पर, विप्लव देव और जिष्णुदेव वर्मन पर, ये जो आपका प्यार है वो बताता है कि अगली सरकार भाजपा की बनने वाली है। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहीं से सीधा मां के दरबार में मत्था टेकने के लिए जाने वाला हूं, और याद जब मैं यहां हूं माणिक्य वंश के राजाओं और महान महाराजा वीर विक्रम को भी नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने त्रिपुरा को भारत के साथ जोड़कर रखा। गुरु अर टागोर, माणिक्य वंश के सभी राजाओं के साथ बहुत उत्साहपूर्वक और घनिष्ठ संबंध रहे, और यही त्रिपुरा की धरती ने हमें ऐसे ही मनमन जैसा एक बड़ा नगीना पूरे देश भर के संगीत को दुनिया में प्रसिद्धि दिलाने वाला है, श्री वर्मन ने दिया काम किया। इस त्रिपुरा की धरती को मैं बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज
यहाँ से धर्म विश्वास यात्रा शुरू हो रही है। मैं त्रिपुरा बीजेपी लीग को साधुवाद बधाई देना चाहता हूं कि यात्रा का नाम विजय यात्रा नहीं रखा, ये यात्रा का नाम संकल्प यात्रा नहीं रखा, ये यात्रा का नाम जन विश्वास यात्रा रखा है। जन विश्वास, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सरकारों के काम के आधार पर ही जनता का भरोसा जीता जा सकता है। मुझे याद है 2018 में मैं पहली बार त्रिपुरा आया, मेरी बहुत बड़ी सभा हुई थी और उसमें 11 लोग उपस्थित थे। कितनी बड़ी सभा हुई थी, 11 लोग उपस्थित थे, मगर हमने तय किया था त्रिपुरा को एक कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्ति दिला देंगे। हमने तय किया था कि कम्युनिस्टों के शासन को उखाड़ कर फेंक देंगे और मैंने ही नारा दिया था चलो पलटाई और त्रिपुरा की जनता का हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर ऋण रहेगा। चलो पलटाई के नारे को आपने सार्थक किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं देश में ऐसी सरकार नहीं बनी होगी जिसका अभी विधानसभा में एक भी विधायक नहीं और चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार। हमने ना ऐसा देखा है ना सुना है। मैं त्रिपुरा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। माताओं भाइयों बहनों, यात्रा 8 दिन चलेगी, 8 जिलों की 60 विधानसभा सीटों में जाएगी, 1000 किलोमीटर चलेगी, 200 से ज्यादा जनसभाएं, 100 से ज्यादा पदयात्राएं और 50 रोड शो यात्रा कवर करकर हमने आपके विश्वास के अनुरूप जो काम किया है वो बता दें। माताओं भाइयों बहनों, 2018 का चुनाव त्रिपुरा को कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्त कराने का चुनाव है। लगभग 3 दशक तक कम्युनिस्टों ने यहां शासन किया, त्रिपुरा की समस्याओं का समाधान नहीं है। पानी लेना है तो उनकी कैडर के पास आओ, रोजगारी लेनी है कैडर के पास आओ, राशन लेना है कैडर के पास आओ, थाने में केस दर्ज कराना है तो कैडर के पास जाओ। सारा प्रशासन कैडर के नीचे ला दिया था। आज मैं आपको पूछता हूं कहीं पर वो कम्युनिस्टों का कुशासन दिखता है? भाई बताइए, दिखता है? ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी और ये चुनाव 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में, विप्लव देव और माणिक शाह के नेतृत्व में जो विकास की नींव डालने का काम हुआ है पर एक समृद्ध त्रिपुरा की इमारत बनाने का काम ये 5 साल के अंदर करना है। एक ऐसा त्रिपुरा बनाना है जहां हर युवा को अपने ही राज्य में काम मिले, हर महिला को सुरक्षा मिले, हर आदिवासी ट्राइबल भाई को अपना अधिकार मिले, हर घर में गैस का सिलेंडर को पहुंची गया है, हर घर में शौचालय को पहुंची गया है, मगर हर घर में स्वच्छ पीने का पानी भी मिले, हर एक के लिए अस्पताल की व्यवस्था। ये समृद्ध त्रिपुरा जो उद्योगों से लैस हो, ये त्रिपुरा उन्नत त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा, समृद्ध त्रिपुरा, इसके नारे के साथ हम ये यात्रा लेकर निकले हैं। तो आज
बंगाल के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बालेंद्र कुमार घोष का जन्मदिन भी है। मैं आज उनको प्रणाम करता हूं और याद करता हूं। इतने जो डबल इंजन सरकार उसे अंधकार की जगह अधिकार दिया है, विनाश की जगह विकास दिया है, विवाद की जगह विश्वास दिया है, कुशासन की जगह सुशासन दिया है और सुविधा की जगह सुविधा देने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे मोदी जी ने कहा था कि आप हमें सरकार दीजिए, हम आपको हीरा से मतलब था, हीरा से मतलब हाईवे, हाईवे इंटरनेट, इंटरनेट रेलवे, रेलवे और एयरवेज, और एयरवेज। हमने चारों वचन, चारों हमारे दो मुख्यमंत्री और माणिक भाई ने पूरे करके दिखाए हैं और अंत में हमने हीरा के साथ साथ माणिक भी देने का कार्य किया है। तो हीरा और माणिक दोनों माताओं भाई बहनों, हमारी डबल इंजिन सरकार, डबल सेवा भाव, डबल सेवा समर्पण भाव, त्रिपुरा में देने का काम किया है। यही त्रिपुरा, यही कभी उग्रवाद, कभी उग्रवाद, घुसपैठ, घुसपैठ, रॉकेट, रॉकेट, ड्रग, ट्रैफिकिंग, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, आदिवासियों से अन्याय से जाने जाता, अन्याय से जाने इसकी जगह विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, ऑर्गेनिक खेती का काम और आदिवासियों को सरकार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने एनएलएफटी से समझौता कर उग्रवाद को समाप्त किया, भूख परिवारों को यहाँ पर बसाकर बहुत बड़े 50,000 से ज्यादा बड़े जनसमूह को हमेशा के लिए आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, जनजातीय विभागों का जवाब सवाल है। मोदी जी ने जल जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प लिया है। मित्रों, जहां तक त्रिपुरा का सवाल है, मैं आज आपको बताने आया हूं 2.7 लाख 2,70,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 4.25 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाने की सुविधा शुरू की है। लगभग लगभग 3,80,000 शहर और गांव मिलकर आवास देने की शुरुआत देने की केंद्र सरकार द्वारा 10,000 से ज्यादा करोड़ के कनेक्टिविटी के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हमने किए हैं और 2,800 करोड़ रुपया 262 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम किया है। 73,000 से ज्यादा माताओं को मातृवंदना योजना में 5,000 से ज्यादा राशि मिलती है। 17 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए हैं। 2,50,000 किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में देने का काम है। 1,30,000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया है और 13,00,000 लोगों को 5,00,000 तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। माताओं भाइयों बहनों, कोविड आया मोदी जी ने वैज्ञानिकों को प्रेरित कर सबसे पहले भारतीय टीका बनाया। जिनके कोविड के डोज लग गए हैं
वो हाथ ऊपर उठाओ तो भाई जरा ऊपर उठाइए, सबको लग गए ना? अरे बोलो तो लग गए हैं पक्का? 25 पैसा भी देना पड़ा है? सरकार ने कॉफी पिलाई या नहीं पिलाई? मोदी जी ने 230 करोड़ की जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लगाकर भारत को सुरक्षा से युक्त करकर कोरोना से बचाने का काम किया है। 80 करोड़ लोगों को 2.25 साल से सरकार प्रति व्यक्ति प्रति घर प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम कर रही है। गरीब माँ का चूल्हा जलाने का काम हुआ। मित्रों, त्रिपुरा में स्टार्टअप के लिए माणिक शाह जी ने 15 करोड़ रुपया आवंटित किया है। फुटबॉल मैदान 3 सिंथेटिक और 1 टर्फ 20 करोड़ रुपए के लागत से हमने बनाए हैं। और एक कम्युनिस्ट सरकार त्रिपुरा के सारे कर्मचारियों को 5वें वेतन आयोग के समय तक बैठी थी। हमारे भाई विप्लव ने उनको 7वां वेतन आयोग देने का काम भारतीय जनता का। मित्रों, आज मैं कपिल करने मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित बनाया। मोदी जी ने पूरे देश को समृद्ध बनाने की नींव डाली। मोदी जी ने पूरे देश को शिक्षित बनाने का अभियान चलाया। कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों त्रिपुरा का भला नहीं कर सकता। मुझे बताओ भाई, आप चाहते हो फिर से कम्युनिस्ट आ जाए? अरे जोर से बोलो, चाहते हो क्या? कांग्रेस आए चाहते हो? अरे कांग्रेस देश में समाप्त हो गई है और कम्युनिस्ट दुनिया में समाप्त हो गए। त्रिपुरा का भला है मोदी जी के नेतृत्व में। फिर से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ हमारी जनविश्वास यात्रा गांव गांव जाएगी, नगर नगर जाएगी, आप इसका समर्थन करेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, करेंगे क्या? कमर के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? फिर से भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? माणिक शाह के हाथ मजबूत करेंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? मेरे साथ त्रिपुरेवार भाजपा सरकार बोलना है। मैं बोलूंगा त्रिपुरेवार, आप बोलोगे? क्या बोलोगे? मेरे साथ बोलिए त्रिपुरेवार, त्रिपुरेवार, त्रिपुरेवार। मेरे साथ दोनों हाथ मिलाकर कम्युनिस्टों के दिल दहल जाए ऐसी आवाज में मुट्ठी बीन कर भारत माता का जयकारा लगाइए। जो लोग रोड पर सुन रहे वो भी लगाए। मेरे साथ बोलिए भारत।